हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खेडू थम। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको 100 KVA ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। दोस्तों, 100 KVA ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन, ये अभी हमारा फ़िलहाल ट्रांसफर DTR स्ट्रक्चर फिट हो रहा है। DTR स्ट्रक्चर मीन्स दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर। अभी इसकी फिटिंग चालू हो चुकी है स्ट्रक्चर की। ये जो वायर लगाया जा रहा है उसका बेसिकली नाम होता है स्टे वायर, जो पोल को स्टे करके रखता है कि वजन के कारण किसी भी साइड पे बेंड ना हो पाए, इसलिए इस वायर केबल को स्टे वायर कहा जाता है। ये पोल से स्टे किया जाता है, टाई किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना, आपको इसके आगे और भी जानकारी मिलेगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना स्किप किए बिना। दोस्तों, इसके अंदर 6 स्टे वायर आएंगे, दोनों पोल के लेफ्ट और राइट साइड में और एक सेंटर से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे 6 टाई वायर आएंगे स्टे करने के लिए, स्टे वायर बोलते हैं जिसको। इसकी ऑलरेडी दोस्तों कॉइल अर्थिंग हो चुकी है, जो डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक मिल जाएगी, आप वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देख सकते हैं कॉइल अर्थिंग के बारे में। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर आ चुका है हमारा। ट्रांसफार्मर का दोस्तों वेट ज़्यादा है, इसका टोटल वेट दोस्तों 540 kg है, जिसको चेन ब्लॉक और चेन पुली ब्लॉक की हेल्प से दोस्तों ऊपर ले जाया जाएगा। यह दोस्तों 2 टन का चेन ब्लॉक है। आपके एरिया में किसको क्या बोला जाता है वो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए। ये चेन ब्लॉक की हेल्प से इस ट्रांसफार्मर को ऊपर ले जाया जाएगा। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर के अंदर 135 लीटर तो खाली ऑयल होता है, 135 लीटर, इसीलिए इसका इतना वेट है। और ऐसे भी 100 KVA का ट्रांसफार्मर का वेट दोस्तों ज़्यादा आता है, इसीलिए इसको हमेशा 2 टन के चेन ब्लॉक से पुली से चढ़ाया जाता है। दोस्तों, जो आप ऊपर जो 3 वायर आ रहे हैं वो 11 KVA लाइन है, यह हाई टेंशन लाइन है। ये देखो दोस्तों, चेन ब्लॉक के हेल्प से ये भी हमारा ट्रांसफार्मर आधे से ज़्यादा उठ चुका है। धीरे धीरे ये चेन ब्लॉक भी दोस्तों पे भी थोड़ा लोड पड़ता है कि वेट ज़्यादा होने के कारण। ये देखो दोस्तों, ये पूरा पोल माउंटेड स्ट्रक्चर है, ये 2 पोल के ऊपर लगाया जाता है ट्रांसफार्मर, इसीलिए इसको पोल माउंटेड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ये हमारे फार्म में 100 KVA ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन हो रहा है, जिससे दोस्तों हम 75-85 HP की मोटर रन कर सकते हैं। हम लोग 75 HP की मोटर रन करेंगे दोस्तों इसके साथ, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। ये अभी हमारा फार्म का सेटअप हो रहा है, इसीलिए सबसे मेन चीज़ थी लाइट। लाइट का काम दोस्तों अभी चालू हो चुका है, हार्डली एक दिन में ख़त्म भी हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, हमारा ट्रांसफार्मर ऊपर चढ़ चुका है चेन ब्लॉकेट के हिसाब से। हम दोस्तों ये रेंट पे लेके आया था मैं चेन ब्लॉक दोस्तों रेंट के हिसाब से। कितना रेंट दिया था मैंने? 350 रुपीज़ रेंट दिया था एक दिन का चेन ब्लू ब्लॉक का। दोस्तों 2 टन का 350 रुपीज़ रेंट लिया गया था मेरे से। ये देखो दोस्तों, अभी ये फाइनली ट्रांसफार्मर ऊपर पहुंच गया है, अब इसको फाइनल टचअप देने की काम चालू हो गया है। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ये देखो दोस्तों, हमारा वो काम कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसफार्मर फिट हो चुका है। थैंक यू दोस्तों।